बरारी लखनऊ से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाने वालों को 5 साल की सजा। BSNL का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लगाया था करोड़ों का चूना। चूना लगाने के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 2,95,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया गया। एक आरोपी मोहम्मद नायाब साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ। फिर से बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, India 24/7 लाइव टीवी पर वक्त की बड़ी खबर। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाने वालों को 5 साल की सजा। BSNL को कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लगाया था करोड़ों का चूना। पूर्व चूना लगाने के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 2,95,000 रुपए के जुर्माने भी लगाए गए। एक ही आरोपी मोहम्मद नायाब साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ। फिर से बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाने वालों को 5 साल की सजा हो गई। BSNL का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लगाया था करोड़ों का चूना। चूना लगाने के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई, एक साथ ही 2,95,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया गया। एक ही आरोपी मोहम्मद नायाब साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ। India 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।